नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन शहर के वसतम मार्केट गोपाल मंदिर के नगर निगम की पेश कीमती जमीन का सौदा तत्कालीन निगम कमिश्नर और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर 7 से 8 लाख रुपए में कर दिया था। तत्कालीन पार्षद रेखा और ने भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जांच कर ठेका निरस्त कर दिया गया था। 20 साल पहले ठेकेदार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसके बाद उसकी हार हो गई। अब उज्जैन नगर निगम शहर की आवश्यकता के अनुसार विकास करेगी। मध्य प्रदेश में बीते दिनों एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के संदिग्धों पर हुई कार्रवाई के बाद सीएम शिवराज ने कहा, हम मध्य प्रदेश को हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि हमने पहले भी सीमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों के आतंक को समाप्त किया है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया है। जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावालिया हेमा स्थित निर्माणधीन मुरली मनोहर एवं कुबेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पीछे 2.25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर गौशाला बनेगी। यह क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला होगी। बताया जा रहा है कि इसमें एक साथ 5,000 से ज्यादा गाय रहेंगी। यहां गायों के चारा, पानी, पशु चिकित्सक सहित सेवादारों की व्यवस्था रहेगी। इसके निर्माण कार्य का भूमि पूजन रविवार को भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्ण विधि विधान से किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सागर में लवकुश मंदिर और धर्मशाला निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 5% सीटें सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। इन सीटों पर सरकारी स्कूल के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। मुख्यमंत्री रविवार को PTC ग्राउंड में आयोजित कुशवाहा समाज के सम्मेलन में शामिल होने सागर आए थे। मुख्यमंत्री चौहान दोपहर 12:35 पर भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 1:20 पर सागर के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। रास्ते में पिंपलापुरे मार्ग पर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दिलाए जाने और लाडली बहना योजना लागू करने पर जिले की लाडली बहने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने PTC ग्राउंड पहुंचकर कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन व सम्मान समारोह को संबोधित किया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन आज अल्प प्रवास के दौरान जबलपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, जबकि हम सत्य के पुजारी हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव में BJP की करारी हार के बाद उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 5वीं बार फिर से शिवराज सरकार बनेगी। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।